हाय, मेरा नाम भूमिका है और इस चैप्टर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हम चालू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक डायग्राम है एलिमेंट्री कनाल का। टॉप मोस्ट पार्ट से चालू करूँ तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है बैक साइड पर, और हार्ड पैलेट जस्ट कवरिंग दी ओरल कैविटी है। टंग यहाँ पर हमें दिख रही है जो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर बोनलेस ऑर्गन होता है। और उसके नीचे हमें दिख रहा है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो मैंडिबल्स के पास में प्रेजेंट होता है, और फिर पीछे की साइड हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड। तो इसके अलावा जो ट्रेकिया और लैरिंगोफैरिंक्स है, ये मार्क करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो अगर आपको एलिमेंट्री कनाल का डायग्राम आए तो आप ये सब मार्क मत कीजिएगा। तो जो माउथ कैविटी होती है वो टर्मिनेट करती है एक लंबी पाइप जैसे ऑर्गन में, जिसे फूड पाइप कहते हैं और बेहतर लफ्ज़ में ईसोफेगस कहते हैं। जो ईसोफेगस होता है वो स्टमक में जाता है, और स्टमक के भी पर्टिकुलर हिस्से होते हैं जिन्हें हम लेटर ऑन डील करेंगे। तो स्टमक के जस्ट पास में हम लिवर देख सकते हैं। लिवर के अंदर ये ग्रीन ग्रीन हिस्सा जो है वो गॉल ब्लैडर दिखा रहा है। तो इसके बाद आप अगर ऑब्जर्व कर सके तो एक कॉमन बाइल डक्ट भी दिख रही है इस जगह पर, ग्रीन कलर में ही शेडेड है। अब स्टमक के पीछे जो ये लीफ शेप्ड येलो कलर का जो ग्लैंड दिख रहा है, इसे पैनक्रियास कहते हैं। तो जो स्टमक होता है वो बेसिकली एक डी शेप्ड स्ट्रक्चर में एंड करता है, जिसे डियोडेनम कहते हैं। डियोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन्स का सबसे इनिशियल वाला हिस्सा कहलाता है। तो जो डियोडेनम होता है वो एंड करता है जेजुनम में। जेजुनम इज अगेन अ जे शेप्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, और फाइनली ये फॉर्म करता है ईलियम। तो अब हम आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स में। लार्ज इंटेस्टाइन्स का सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा हम यहाँ पे देख रहे हैं एक वेस्टिजियल ऑर्गन जो होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के ऊपर एक स्वोलन हिस्सा होता है जिसे सीकम कहते हैं, और सीकम के ऊपर से कोलन चालू हो जाती है। अब क्योंकि ये कोलन ऊपर की तरफ जा रही है तो हम इसे एसेंडिंग कोलन कहते हैं। ये ट्रांसवर्स कोलन होती है और नीचे की तरफ आने वाली डिसेंडिंग कोलन होती है। फिर यहाँ पर एक सिग्मोइड पार्ट भी प्रेजेंट है जो सिग्मोइड कोलन कहलाता है, और इसके बाद रेक्टम आ जाता है जहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर होते हैं और एनस के थ्रू ये बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो अब हम इन ईच पार्ट को एक डीपर डिटेल में पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पर ये टंग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये लिप्स हैं, ये ओरल कैविटी है जहाँ पर हम फूड इंजेस्ट करते हैं और जहाँ पर फूड बनता है थ्रू द हेल्प ऑफ द पैलेट। तो ये सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ हम देख रहे हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस, जो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये खाने के टाइम पर विंड पाइप को गार्ड करता है, और जब हम लेटे हुए होते हैं तो ये एपिग्लॉटिस एक लिड की तरह खुल जाता है। तो इसीलिए एडवाइज़ कर जो लोग होते हैं वो हमें एडवाइज़ करते हैं कि हमें लेटे हुए खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस समय एपिग्लॉटिस खुला हुआ होता है और विंड पाइप कवर्ड नहीं होती, तो इस वजह से ट्रेकिया में भी खाना जा सकता है। और फाइनली जो ओरल कैविटी होती है वो टर्मिनेट कर रही है ईसोफेगस में। तो यहाँ पर ये ईसोफेगस चालू हो चुका है। अब हम ईसोफेगस यहाँ पर टर्मिनेट हुई, और इसके बाद आप देख सकते हैं स्टमक चालू हो गया। लेकिन स्टमक की एंट्री के पहले एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कंट्रोल करता है बोलस का आना या जाना। इसे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं क्योंकि ये मिडल रीजन के पास में प्रेजेंट है, तो ये कार्डियक रीजन के पास में प्रेजेंट है। टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है स्टमक का उसे फंडस कहते हैं, लोअर मोस्ट पाइलोरस कहा जाता है। तो जो पाइलोरस होता है वो कंटिन्यू करता है स्मॉल इंटेस्टिन में, और बेसिकली जो डी शेप्ड पार्ट होता है यहाँ पर डियोडेनम, और इसके बीच में भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब हम लिवर और पैनक्रियास को डीपर डिटेल में देख लेते हैं। लिवर जो बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट है विद द कॉमन बाइल डक्ट विच कम्स फ्रॉम द पैनक्रियास ऑल्सो। सो पैनक्रियास ये लीफी शेप स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, और यहाँ पर बीच में पैनक्रियाटिक डक्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टिन्स के डीपर स्ट्रक्चर के बारे में हम इसलिए पढ़े हैं क्योंकि स्मॉल इंटेस्टिन्स आर द साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो जितना भी अब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टिन्स में होता है, तो इस मैकेनिज्म के पीछे जो स्ट्रक्चर है उसको जानना ज़रूरी होता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टिन की ल्यूमेन को हम देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ अमाउंट में विलाय प्रेजेंट होती है। विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो ये जो विलाय का जो
टॉप मोस्ट सर्फेस है उसका एक मैग्नीफाइड हिस्सा है, हमें ल्यूमन की लेयर्स भी यहाँ पर दिख रही हैं, म्यूकोसा जो आउटर मोस्ट होती है और म्यूकस सेक्रीट करती है, फिर सब म्यूकोसा आती है और फिर मस्क्युलारिस आती है जो एक मस्क्युलर लेयर होती है। अब हर एक विलाय को डीपर डिटेल में देखें तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिथेलियल सेल से बनती है, फिर कैपिलरीज आ जाती हैं और बीच में लैक्टील्स भी प्रेजेंट होती हैं, और अगर ये इस जगह पर जाके सिंप्लीफाई हो तो यहाँ पर हमें वेन्स, आर्टरीज और लिम्फैटिक डक्ट्स भी दिख रही हैं। अगर हर एक एपिथेलियल सेल को हम ध्यान से देखें तो उसमें हमें माइक्रोविलाय भी दिखती है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। मैं फिर से कह रही हूँ ये स्ट्रक्चर जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब्जॉर्प्शन का जो बेसिक प्रोसेस होता है वो सब इसी के थ्रू फॉलो होता है। ठीक है, तो अब मैं रीड आउट कर देती हूँ इन सारे ऑर्गन्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स आर द मेन ग्लैंड्स विच आर फाउंड इन द चीक्स, अंडर द टंग एंड अराउंड द जॉ। दे सेक्रेट अबाउट 1/4 सलाइवा ईच डे। अमाइलेज, ऑल्सो कॉल्ड एज स्टाइलिन, इज एन एंजाइम इन द सलाइवा दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्चेस और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सच एज ब्रेड, राइस एंड पोटैटोज। Lysozyme is another salivary enzyme which helps to keep the mouth free from germs, and saliva also contains mucus which coats the food and enables each bite to travel smoothly through the digestive tract. तो सलाइवा के बारे में यही चीज़ है कि माउथ में सेक्रीट होता है और इसमें जो मेन एंजाइम होती है वो होती है टाइलिन या फिर अल्फा अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। लाइसोजोम भी सेक्रीट होता है जो माउथ को जर्म फ्री रखता है। स्टमक, द स्टमक इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेशन विच प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूस एंड इज कंप्राइज ऑफ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर एंड एंजाइम्स। जो एंजाइम्स होती है वो बेसिकली प्रोटीन डाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर्क्स विद द मेन गैस्ट्रिक एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन टू एड द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन रिच फूड्स लाइक एग्स, मीट एंड टोफू। द प्रोडक्शन ऑफ एसिड इज इंक्रीज बाय हार्मोन विच इज नोन एज गैस्ट्रिन। इन हार्मोन्स के बारे में हम इंट्रोडक्टरी एंडोक्रिनोलॉजी में पढ़ेंगे जो परहैप्स मैं अपने नेक्स्ट कोर्स में इंक्लूड करूंगी। Which is made by specific cells lining the stomach. The stomach also produces gastric lipase, which assists in digesting fats. Intrinsic factor, an enzyme-like compound which helps in small intestines absorbs vitamin B12, जिसे cyanocobalamin भी कहते हैं, is also produced in the stomach. Pancreas के बारे में थोड़ा सा read out कर देती हूँ. The pancreas is a leaf-shaped organ that lies below the stomach. हम leaf shape तो देख ही चुके हैं. It secretes juices which are rich in enzymes capable of digesting three main energy nutrients, carbohydrates, proteins and fats. तो मतलब ये पहला organ होता है sequence के हिसाब से जहाँ पर तीनों का digestion होता है. Pancreatic juice also contains large amounts of sodium bicarbonate which neutralizes the acid from the stomach and optimizes the environment for the enzymes to work. Pancreatic enzymes do most of the fat digestion, secreting pancreatic lipase, esterase and phospholipase which breaks down chemically complex fats into simple easy to absorb fats. Similarly, trypsin and carboxypeptidases break down proteins and pancreatic amylase breaks down the carbohydrates. तो इसी तरह से हर न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होता है। अब हम आ जाते हैं लिवर पे। जो लिवर होता है वो एक ग्रीनिश कलर का जूस प्रोड्यूस करता है जिसे बाइल कहते हैं। इट इज़ स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड बाय द गॉल ब्लैडर आफ्टर अ हाई फैट मील सच एज वन कंटेनिंग चीज, क्रीम और बेकन। द फैट्स फ्रॉम द फूड टेंड टू स्टिक टुगेदर। तो जो फैट्स होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और बड़े बड़े स्फीयर्स फॉर्म कर सकते हैं। अब इन बड़े बड़े स्फीयर्स का डिसएडवांटेज ये है कि इन पर एंजाइम्स एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकती, तो इसी वजह से जो बाइल जूस होता है वो उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जिस प्रोसेस को इमाल्सिफिकेशन कहा जाता है, और इसी तरह से जो एंजाइम्स होती है वो उन छोटे पार्टिकल्स पे इजीली एक्ट कर सकती है। बाइल एक्ट्स एज अ सोप विच ब्रेक्स डाउन द बॉन्ड्स होल्डिंग दीज फेस टुगेदर एंड टर्निंग देम इनटू टाइनी ग्लोब्यूल्स दैट आर इजीली टेकन अप बाय द बॉडी। बाइल इज नॉट एन एंजाइम बट इज एन एसेंशियल फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम टू वर्क। ओके, फाइनली हम आ जाते हैं इंटेस्टिन्स पर, जहाँ पर मेनली सारा डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। वेल, डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिन इन द माउथ एंड स्टमक। डाइजेशन गेन्स मोमेंटम व्हेन फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टिन्स। दिस इज वेयर सेक्रीशंस फ्रॉम द पैनक्रियाज, लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टिन्स डू मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव वर्क। The lining of the small intestine is covered with finger-like extension which are known as villi and which is where the nutrients they get absorbed into the blood. Hum villi ke bare mein already pehle pad chuke hain. The tips of the villi have many enzymes that digest protein, carbohydrates and fats such as peptidases, disaccharidases and intestinal lipases.
Enzymes that digest simple sugars are also secreted here, such as lactase and sucrase. The deep spaces between the villi, they are known as crypts, and these crypts, they secrete mucus also, bicarbonate and water. In addition to these secretions, the cells of the small intestines, they also produce hormones like secretin and cholecystokinin, which stimulate other organs to release the digestive juices. So, ye tha digestive system ki structure ke baare mein. Next chapter mein hum padhenge digestive physiology ke baare mein, ki har organ kaise kaise apni enzymes release karke aur apne procedural ways mein kaise kaise nutrients ko absorb karta hai. To agar aapne ye chapter padh liya tabhi aap aage wali video par skip kare taki aapko pata chale ki us particular jagah ka, us particular organ ka structure kya hai aur wo kaise kaam karta hai. Agar aapko ye chapter acha laga to aap ise English mein bhi dekh sakte hai, just for better understanding, but no forcing of course. You can follow me also and you can rate me, review me and recommend this lesson. Thank you for watching.